नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्ता न्यूज। महाराष्ट्र में पिछले कुछ टाइम से लगातार मनी लॉन्ड्रिंग केस में छानबीन कर रही एजेंसी ईडी के द्वारा एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इस बार जो बड़ी कार्रवाई की गई है वो उद्धव ठाकरे की करीबी एमपी भावना गावली के ऊपर की गई है। आपको बता दूं कि भावना गावली के ऊपर भी 72 करोड़ रुपये का समथिंग का जो है घोटाले का आरोप लगाया गया है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भावना गावली के कई स्टाफ को एक साथ में ईडी के द्वारा समन, और इन स्टाफ में सबसे पहला नाम जो है वो भावना गावली के राइट हैंड का है जिसका नाम शाहिद खान है, इसको ईडी के द्वारा समन किया गया है और इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दूसरा जो है वो है सीए हाकिम शेख, जो इनका सीए है हाकिम शेख, उसको भी ईडी के द्वारा समन किया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तीसरा जो है कंपनी का जो सेक्रेटरी है मोहम्मद अथर्व, उसको भी ईडी के द्वारा समन किया गया है और उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और लास्ट जो है वो एडवोकेट अख्तर अली, जो इनका एडवोकेट है अख्तर अली, उसको भी पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया है। और ये जो कार्रवाई चल रही है ये भी वही मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो कि इनके खिलाफ में भी एक आरोप लगाया गया है उसी पे जो है ईडी के द्वारा छानबीन की जा रही है और इसमें इन सारे के सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब देखते हैं इनसे पूछताछ करने के बाद ईडी के हाथ में कौन सा एविडेंस लगता है और क्या भावना गावली हैं जिनके खिलाफ में इतने बड़े बड़े आरोप हैं उनके खिलाफ में कुछ भी ईडी इनसे पूछताछ में पता लगा पाती है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।